हाँ जी चला, मतलब यहाँ पर 30 हेक्टर में लगा हुआ है ये, और 7 वैरायटी है अलग अलग, कुछ पिकल के लिए काम में आती है, अचार के लिए, कुछ तेल के लिए, कुछ फ्यूल पर्पज के लिए। मेनली इसका तेल जो है खाने के काम में आता है, और इसमें जो फूल हैं वो फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर आते हैं, और हार्वेस्टिंग ये लगभग सितम्बर अक्टूबर में होता है। और ये जब हरा होता है मतलब पहले शुरुआत में, फिर पकने के बाद में ये जामुनी कलर का हो जाता है। इसके जो है जो तेल है उसमें ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि मतलब हार्ट का जो पेशेंट है उसके लिए तो ये रामबाण है। ये इसका तेल 3 प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा वर्जन, वर्जन और फॉर्मेस। एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल वो होता है जो कि 72 घंटे के अंदर टूटने के 72 घंटे के अंदर अंदर इसका ऑयल निकाल लें और फर्स्ट प्रेस से निकाल लें। वर्जन ऑयल वो होता है जो एक बार जो निकलती है केक खड़, उसको दोबारा पीलते हैं जो निकलता है। जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है वो मेनली खाने के काम में आता है। वर्जन ऑयल होता है वो अपने कॉस्मेटिक और मेडिसिन के काम में आता है। और फोमेस ऑयल जो तीसरी बार और निकालते हैं उसमें कुछ केमिकल डाल के, तो वो जो तेल होता है वो अपने मतलब कुकिंग के काम में आता है इसका तेल जो है। और आजकल जो है इसका तेल जो है कि मतलब मेनली अभी राजस्थान में तो ये आरओसी अली पैदा कर रही है, किसानों के लगभग 1200 हेक्टर में लगा लिए। इसमें गवर्नमेंट यहाँ के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे देती है, ड्रिप पे 50% और 70% सब्सिडी है। और इसके साथ साथ आजकल इसकी जो ग्रीन टी चलन चल रहा है, ग्रीन टी भी बनती है, किसानों से 60 रुपये किलो के हिसाब से गीली पत्ती खरीदती है कंपनी। हाँ, और ये 7x4 पे किसानों को दे रहे हैं। 4 साल में गवर्नमेंट इनको 4200 रुपये पर हेक्टर और देती है किसान को, मतलब जो इसके क्या है कि लगाने के 4 साल बाद में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो जो ग्रेस पीरियड है उसमें मतलब किसान अपना गुजारा कर सके, इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र के नाम से 3200 रुपये हैं। और जो 7 मीटर का ये गैप है वो जो है उसमें अगर इंटरक्रॉप लेता है, दूसरी क्रॉप जो भी ट्रेडिशनल क्रॉप लेता है, तो 1000 रुपये और देती है ये गवर्नमेंट की स्कीम। रोग क्या क्या थे इसमें? कोई रोग नहीं है, आप देख सकते हो इसकी पत्ती काफ़ी टाइट है, कोई रोग नहीं है। एक माइट आती है तो उसका स्प्रे कर देते हैं, बाकी 2-2.5 साल तक आप इसको दीमक से बचा लो, उसके बाद में 1000 साल है इसकी उम्र। पैदावार कितनी? 4 साल बाद में नहीं, साल में एक बार। साइज कितना फल का? साइज अपना जामुन नहीं होता है क्या? हाँ, अलग अलग मैक्सिमम जामुन है और अलग अलग वैरायटी का अलग अलग फ्रूट साइज है। होंगे आपके पास डोमेस्टिक फ्रूट? नहीं है अभी, अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। ये 10 साल 11 साल का हो गया। जमीन कैसी चाहिए? ये किसी भी प्रकार की जमीन में हो सकता है, और मैं अगर वेल मतलब जो है ड्रेनेज वाली सिस्टम है तो उसमें अच्छा रहता है। इसके पास पानी भरा नहीं होना चाहिए। पानी की रिक्वायरमेंट क्या है वैसे इसकी? पानी की रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब फ्रूटिंग होती है तब 50 लीटर पर डे पानी चाहिए। 50 लीटर पर डे
दो बाल्टी फ्लडिंग में होगा नहीं। फ्लडिंग में क्या होता है, अगर इसके पास में अगर पानी बढ़ता है ना तो यहाँ से पैदावार कितनी होती है? पैदावार लगभग 1000 पर हेक्टेयर। अगर आप चाय के लिए उगाते हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा इनकम है। मतलब गीली पत्ती तोड़ के दे 60 रुपए में। दो कंपनी है, एक तो ओलेटिया कंपनी है और एक ओलिफ के नाम से दो कंपनी है। वो अलग अलग फार्मर से यहाँ एक ओलिव ग्रोवर के नाम से एसोसिएशन बना रखा है। वो क्या करता है कि फार्मर से खरीदता है 58 रुपए में, मतलब, और उससे उसको देता है 60 रुपए में। कितने साल में फ्रूट आते हैं? 4 साल बाद में फ्रूट की तरह लगता है। अंगूर की तरह 5-10 एक एक साथ लगते हैं उसके। फिर ये मैच्योर होता है कि ये सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर में, मतलब डिपेंड करता है, अगर धूप ज्यादा पड़ रही है तो सितंबर में आ जाएगा। इसमें कुछ खाद तो नहीं डालते आप? ये जो अपने वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर वो डालते हैं, पर अभी एक साल से हमने बंद कर दिया, ऑर्गेनिक कर दिया इसको। अब बल्ली वही लगेगा छोटी निम्बोली है, निम्बोली मान लिया, गुच्छा टाइप में लग गया है। और ये फिर वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर फ्रूट प्रेशर से धुलता है, कोई मिट्टी वगैरह कुछ लगी हुई नहीं। उसके बाद में यहाँ से ऊपर जाता है, फिर वहाँ पर ग्राइंड होके और इसमें कलेक्शन बोलते हैं इसको। इसकी 5 टन पर आवर कैपेसिटी है, ये 5 टन का है। उसमें क्या होता है कि चार्जिंग होती है, जैसे अपन दही बिलोते हैं वैसे इसमें चार्जिंग होने के बाद 45 मिनट तक इसकी चार्जिंग होती है। चार्जिंग के बाद में आगे जो मशीन है डिकेंटर, उसमें खड़े एक तरफ हो जाती है और ऑयल और पानी एक तरफ हो जाता है। उसके बाद में वो दूसरी मशीन में जाता है, वहाँ से पानी, सेंट्रीफ्यूज मशीन ही है, उसमें पानी अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है। ऑयल अलग होने के बाद में सीधा डायरेक्ट अंदर वो जो बना हुआ कोल्ड स्टोर, उसमें 5-5 हज़ार लीटर के टाइम के अंदर छः उनमें बढ़ता रहता है। उसके बाद में अपने वो पैकिंग की मशीन लगी हुई है और पैकिंग हो जाती है। राजौली के नाम से ये ब्रांड।